हेलो सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर वेलकम। मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स सक्सेसफुली लॉग इन कर पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स को प्रज्ञान पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनके सारे इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये हम वीडियो स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सारे प्रोसेस को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, वो सारे स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। और मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर दीक्षांत अवस्थी आप सभी को सभी का स्वागत करता हूं, और इंटरनल असेसमेंट की बेस्ट विशेस के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप डीयू सोल की वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके से आपको पेज अपीयर होगा। जैसे हमारी टेक्निकल टीम ने क्लिक किया है, एलएमएस नोटिस आप देख सकते हैं, एलएमएस यूआरएल टैब इज गोइंग टू बी, एंड एलएमएस यूआरएल ट्यूब ये टैब पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आप एलएमएस यूआरएल पर क्लिक करें टीम, हाँ तो आप देखेंगे इस तरीके से प्रज्ञान का पेज ओपन होगा। एंड प्रज्ञान पेज पर आने के बाद, ये प्रज्ञान हमारा एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। बिल्कुल डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी भी इंटरनल असेसमेंट या एग्जाम का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी लर्नर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या लर्निंग आउटकम है उसको असेस करना। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने कोर्सेस का, अपने सब्जेक्ट मैटर का तैयारी जरूर करें। प्रज्ञान बहुत आसान है और इससे बहुत आसानी से आप सक्सेसफुली अपने एग्जाम को दे पाएंगे, और डिस्टेंस एजुकेशन में मल्टीपल एस्पेक्ट, जो भी एस्पेक्ट्स हैं डिस्टेंस एजुकेशन के, जो मूल उद्देश्य हैं, उनको ये प्रज्ञान फुलफिल करता है। हम लोगों ने बहुत ही आ, 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 सोचने के साथ इसके लिए बहुत गाइडिंग प्रोसेस के बाद ही इसको डेवलप किया है। तो स्टूडेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रज्ञान पर अपने अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें। लॉग इन बटन अपियर होता है, लॉग इन बटन पर टीम ने जैसे क्लिक किया है आप देख सकते हैं, लॉग इन क्रेडेंशियल्स के लिए आपको एक ईमेल आईडी रिक्वायर्ड रहेगा और आपका पासवर्ड। तो फर्स्ट टाइम लॉग इन जो स्टूडेंट्स करेंगे उनके लिए मेरा ये कहना रहेगा कि आपका जो ईमेल आईडी है वो सोल ने प्रोवाइड किया हुआ है। जिस ईमेल आईडी से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर क्लासेस करते हैं, वो ईमेल आईडी, वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पर यूज होगा। अब उस ईमेल आईडी का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें आपका एसओएल रोल नंबर @sol-du.ac.in ये आपका ईमेल आईडी होता है, लेकिन इसमें @ से पहले का जो पार्ट है वो आपका एसओएल रोल नंबर है। ये रोल नंबर कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं, अपनी फी रिसीप्ट पर और अपने ईमेल, जो आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया है सोल की तरफ से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से, आप उन दोनों डॉक्यूमेंट्स पर अपने इस रोल नंबर को देख सकते हैं। इस रोल नंबर का भी जो स्ट्रक्चर है, टेक्निकल टीम आपको बार बार हाईलाइट कर रही है, ये 23-1-02-6 digit फर्दर नंबर है 00001, इस तरीके के स्ट्रक्चर में होगा। तो इसका इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है। मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स के पास अपना ईमेल आईडी और फी रिसीव ईमेल आईडी, क्योंकि उन्होंने क्लासेस किए होंगे इसलिए होगा। अगर किसी कारणवश क्लासेस नहीं किए हैं, उनको नहीं पता, तो अपना रोल नंबर, अपने फी रिसीप्ट और आइडेंटिटी कार्ड से निकाल सकते हैं, और उसमें केवल आपको @sol-du.ac.in आपको ऐड करना है, उसके साथ आपका लॉगिन आईडी हो जाता है। अब आ जाते हैं पासवर्ड पर। पासवर्ड में हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए एक डिफॉल्ट पासवर्ड देते हैं। द डिफॉल्ट पासवर्ड इज कैपिटल L लर्न LEARN @1234-5। यहाँ ये सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो कैप एल जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर है। तो इसके साथ आप जैसे ही उसमें लॉग इन करेंगे तो लॉग इन हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं। अगर मल्टीपल टाइम्स अगर रॉन्ग पासवर्ड आप उसमें एंटर करते हैं और आपसे कोई ऐसी मिस्टेक होती है, 3 टाइम्स के बाद आपका जो लॉग इन क्रेडेंशियल है, आपका अकाउंट इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। सो इनएक्टिव जोन में जाने के बाद बैकएंड पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली
रिफ्रेश करता है, लेकिन सेफ्टी फीचर या सिक्योरिटी फीचर होने के कारण उस टाइम के लिए इनएक्टिव जोन में रहेगा। अब ये मैक्सिमम वन और मिनिमम 5 to 6 seconds के बाद आप दोबारा से देखेंगे कि आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करने का अटेम्प्ट कर सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, दूसरा कंस्ट्रेंट जो है उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल डिवाइसेस पर आप साइमल्टेनियस लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप जैसे सेलफोन पर आपने लॉगिन कर रखा है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ, स्टूडेंट क्रेडेंशियल्स के साथ, तो आप फिर लैपटॉप पर साइमल्टेनियसली लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये किसी भी एग्जाम की सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो लर्नर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, किसी भी डिवाइस, एक डिवाइस जिस पर उन्होंने लॉग इन सक्सेसफुली कर लिया है, तो उस पर लॉग आउट जरूर करें अगर उनको किसी दूसरे डिवाइस पर अपने अपने इस इंटरनल असेसमेंट को देना है, तो इसलिए लॉग आउट बटन पर क्लिक करना जरूरी है। टीम से मैं कहूँगा और आप नेक्स्ट आप प्रॉपरली लॉग इन करें। या सक्सेसफुली मेरे टीम मेंबर ने लॉग इन कर लिया है एंड टेक्निकल टीम मेंबर जैसे लॉग इन किया है, क्योंकि ये डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पर आपको 15 कोर्सेज, बिकॉज ऑल टैब्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन आप देखेंगे जैसा कि अभी कर्सर दिखा रहा है कि यहाँ पर 15 कोर्सेज में ये अकाउंट होल्डर इनरोल्ड है, लेकिन आपने जिस प्रोग्राम में आप हैं उसका फर्स्ट सेमेस्टर या जो भी सेमेस्टर में आप हैं उस सेमेस्टर में जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज हैं वो नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऑल कोर्स टैब्स आर गोइंग टू अपीयर ओवर हियर। सो ऑन ईच कोर्स टैब, दिस बिगर टैब, यू कैन फाइंड देयर आर गोइंग टू बी स्मॉल सब टैब्स इन विच असेसमेंट बटन इज देयर। आप हाईलाइट भी कर रहे हैं, जैसे ही आप असेसमेंट बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास लॉन्च का ऑप्शन भी आना शुरू हो जाएगा। आप जैसे ही लॉन्च करते हैं आपका, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जब लॉन्च करेंगे तो मॉक टेस्ट आएगा, मेरा सारे स्टूडेंट से कहना रहेगा कि आप मॉक टेस्ट जरूर दें, बिकॉज एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट, सो मॉक टेस्ट इज रियली एसेंशियल। एक बार आप जैसे ही एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट पेज के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपको ये इंटरनल असेसमेंट देना और आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप टीम से मैं कहूँगा, क्योंकि फर्स्ट साइट में आप देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस अपीयर होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद आपको चेक बॉक्स होगा, आप रीड करने के बाद उसको क्लिक करें, चेक करने के बाद आप फर्दर एग्जामिनेशन एनवायरमेंट में या इंटरनल असेसमेंट एनवायरमेंट में आप एंटर कर जाएं। नाउ यू कैन सी सच काइंड ऑफ विंडो विल अपीयर एंड हियर ऑन द इन द राइट साइड यू कैन सी ग्रीन साइन, द ग्रीन कलर मार्क इज गोइंग टू अपीयर फॉर आंसर्ड क्वेश्चंस, रेड कलर मार्क इज फॉर द नॉट आंसर्ड एंड व्हाइट इज गोइंग टू बी फॉर नॉट विजिटेड एंड violet is going to be for marked for review, and here you can see one more instruction, answered and marked for review will not be considered for evaluation. Yeah, main team se kahunga ki wo response dena shuru kare. Yahan par team mein jo technical team hai wo exam le rahi hai, aur aapne dekha ho ki first question ka unhone answer kar diya hai, aur save and next button pe jaise hi click kiya हम सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है और ग्रीन कलर के साथ वहां पर टैब्स में आप देख सकते हैं यू हैव सबमिटेड योर आंसर। या नाउ रेड इज फॉर द टू, सेकेंड क्वेश्चन को रिव्यू मार्क्ड एज फॉर द रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया है, इस वजह से वायलेट कलर के साथ अपीयर हो रहा है। या नाउ यू आर ऑन द थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन एंड देन टीम से कहूंगा आगे बढ़े। या यू कैन सी नाउ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फोर्थ क्वेश्चन द लर्नर और द जैसे कि मॉक टेस्ट है तो हमारी टेक्निकल टीम ने आपको शो करने की कोशिश की है कि फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ कंफर्म थे आंसर क्या है, उस बेस्ट आंसर को लॉक कर दिया गया है सेव एंड नेक्स्ट बटन पर प्रेस करके। सेकेंड क्वेश्चन आपका रिव्यू के लिए है, थर्ड एंड फिफ्थ पर विजिट नहीं किया है। आप डायरेक्टली भी इन टैब्स पे क्लिक करके
सीधा उस क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द यूजर फ्रेंडली फीचर ऑफ अवर एलएमएस. या सो जैसे ही आप उस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, आप वहां पर फाइनली आपको जितने भी वायलेट कलर से आपको टैब दिख रहे हैं और रेड से दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को फाइनल सबमिशन से पहले आपको रिव्यू जरूर करना चाहिए और उनका आंसर, जो भी बेस्ट आंसर आप देना चाहते हैं उसको दें, और सारे ग्रीन के साथ जो अपीयर होंगे उन्हीं का उन्हीं को फाइनल इवेल्यूशन के लिए कंसीडर किया जाएगा. या सेव एंड नेक्स्ट. या यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अपना लर्नर अपना असेसमेंट समरी देख सकता है, एंड असेसमेंट समरी में आप ब्लू सोल की तरफ से अपीयर हुए हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट टैब है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में थे वो दिखेगा, एंड सेकंड टैब में आपको दिखेगा आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव आंसर्ड, क्योंकि हमने 4 क्वेश्चंस को आंसर किया है, एंड नॉट आंसर्ड जिन क्वेश्चंस को हमने या तो विजिट नहीं किया है या रिव्यू के लिए छोड़ा, वो सारा स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा. तो नॉट आंसर्ड में 1 है, और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई किसी रिव्यू क्वेश्चन को आप दोबारा विजिट करना चाहते हैं, तो आप यस पर क्लिक ना करके नो पर क्लिक करें. एक बार नो पर क्लिक करके आप दिखाएं. या सो अगेन नाउ यू आर ऑन द सेम विंडो, यू कैन अपियर फॉर द टेस्ट, यू कैन प्रोसीड विद द टेस्ट. अगर आपके पास 45 मिनट्स के टाइम में आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो क्योंकि आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का ही है. या सो नाउ अगेन गो टू द नेक्स्ट सबमिशन, फाइनल सबमिशन. यस पर आप क्लिक करेंगे. जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको डियर कैंडिडेट थैंक यू, प्लीज नोट दैट योर असेसमेंट इज अबाउट टू बी सबमिटेड, क्लिक ऑन ओके, प्रोसीड फर्दर. या नाउ योर असेसमेंट हैज गॉट सबमिटेड सक्सेसफुली. आपको टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो पर्टिकुलर कोर्स के लिए इंटरनल असेसमेंट के 2 मिल रहे हैं. आपका कुछ भी परफॉर्मेंस रहे फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट के अटेम्प्ट में, आपको नेक्स्ट सेकेंड के लिए आपका विंडो ओपन रहेगा. आप सेकेंड इंटरनल असेसमेंट देते हैं, जो भी उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी आउट ऑफ 2 रहेगी उसको हम कंसीडर करेंगे. या सो नाउ यू कैन सी एग्जिट असेसमेंट as you are going to because you have successfully taken this mock test, now go to the exit assessment. yeah, so now again you are back to the same window. so is tarike se hi aap jo jitne bhi number of courses hain sabhi ke liye individual aap apna internal assessment denge. so mujhe lagta hai ki ye video aap logo ke liye kafi sari cheeze clear kiya hoga, lekin agar aap jaye jaise hakim se main kahunga isme how a learner can see his performance वो भी दिखाएं. तो यहाँ पर देखें मॉक टेस्ट असेसमेंट जो आपका पर्टिकुलर कोर्स के लिए रहा है वो आप देख सकते हैं. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमने, मॉक टेस्ट इज अनलिमिटेड बट रियल कोर्स इज गोइंग टू बी जस्ट विद द 2 अटेम्प्ट्स. तो यहाँ पर मॉक टेस्ट में आप देख रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट्स मेरे दिख रहे हैं, क्योंकि ये डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंफ्यूज ना हो. लेकिन अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैं टीम से कहूँगा वो प्लस बटन जो कॉर्नर पे था उस पर क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि नीचे आपकी परफॉर्मेंस शो करेगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अटेम्प्ट 3rd में मॉक टेस्ट में आपने किस टाइम पर वो टेस्ट दिया है, मार्क्स ऑब्टेंड वो भी आपको शो हो रहे हैं, एंड हियर यू कैन सी स्टेटस. या सो यू कैन सी योर स्कोर, व्हाट यू हैव स्कोर्ड आफ्टर टेकिंग द रियल असेसमेंट ओवर देयर. यहाँ से आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे. सो मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए रियली हेल्पफुल रहेगी, और फर्दर कोई भी क्वेश्चंस अगर रहते हैं, कोई ऑब्स्टिकल आता है, इन हर्डल आता है और आप अपने एग्ज़ाम को नहीं दे पा रहे हैं या लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, और कोई भी इशू होता है इससे रिलेटेड, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि डी यू सोल की वेबसाइट पर दिए गए हैं, साथ में एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, वहाँ पर अपनी क्वेरीज को सेंड करें. हम 100% आपको एक कोई सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू.